हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, उसमें रिम जिम चैप्टर नंबर 20 भगदड़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हम एक बुढ़िया के बारे में बात करेंगे। ये भगदड़ का चैप्टर है 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोनों में थी रखी मिठाई, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी पंक्ति ऐसी है कि बुढ़िया चला रही थी चक्की, यानी कि बुढ़िया है। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुढ़िया है, वो चक्की चला रही है। देखिए ये चक्की है, ये पूरा वर्ली शैली में दिया गया है पिक्चर। देखिए यहाँ पे उसके हाथ है, चक्की ऐसे चलती है। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी उसकी उम्र कितनी होगी फ्रेंड्स, 60 वर्ष की होगी, 60 ईयर की वो होगी, 60 वर्ष की। दोने में थी रखी मिठाई, यानी दोना एक जो बर्तन होगा दोना, उसमें मिठाई रखी हुई थी। उस पर उड़कर मक्खी आई, उस पर क्या आया, तो उस पर मक्खी आई। एक बुढ़िया क्या कर रही थी, चक्की चला रही थी, वो 60 वर्ष की थी और दोने में उसने मिठाइयाँ रखी थी और उस मिठाई पर मक्खी आकर बैठ गई थी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो अभी क्या हुआ कि जो बुढ़िया है वो मक्खी को उड़ाने के लिए गई, जो उसने देखा कि मक्खी, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बांस यानी कि एक लकड़ी होगी बांस की, वो उठाकर बुढ़िया दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तब क्या हुआ, एक बिल्ली आई। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिल्ली है, वो क्या करने लगी, पकौड़ी खाने लगी। क्या करने लगी, पकौड़ी खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जब बुढ़िया है वो घर के अंदर पहुंची तो कुत्ते ने क्या किया, रोटी उठाकर भाग गया। देखिए यहाँ पे कुत्ता और बुढ़िया का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि झपटी बुढ़िया घर के अंदर, वो घर के अंदर भागी तो कुत्ता है वो क्या हुआ, रोटी लेकर भाग गया। आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा गुस्सा तुरंत ही भीतर। अभी क्या हुआ कि जैसे ही बुढ़िया घर के बाहर निकली तो घर के अंदर कौन आ गया, एक बकरा आ गया। देखिए यहाँ पे बकरा है, बुढ़िया है, आप दिख रही है। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वहाँ बकरा भी सटका। तो बुढ़िया चली, फिर वहाँ पे अंदर चली तो मटका गिर गया, यानी उसके पास जो मटका होगा वो मटका गिर गया, तो वहाँ से बकरा भी क्या हो गया, भाग गया। बुढ़िया जब बाहर निकली तो अंदर बकरा घुस गया, बकरा जो बुढ़िया है वो मटके से टकराई, वो गिर गया, तो बकरा भी वहाँ से भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अभी क्या है, बुढ़िया है वो थक कर बैठ गई। देखिए ये बुढ़िया है वो बैठ गई है और बिल्ली है उसको घर सौंप दिया, यानी कि वो अभी पकौड़ी फिर से खाने लगी है, बुढ़िया है वो थक गई। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पिक्चर है आपको दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर बिहार की मधुबनी शैली पर बने इस चित्रों, तो बच्चों के बात करें, ये जो चित्र यहाँ पे बने गए हैं वो कैसी है, बिहार की मधुबनी शैली में एक चित्र बनाए गए हैं। इस पिक्चर इस पूरे के पूरे जो लेसन था उसमें हमें देखा कि गुड़िया है वो क्या कर रही थी, चक्की चला रही थी और दोने में मिठाई रखी थी, उस पर मक्खी आकर बैठ के, उसके बाद वो बांस ले उठाकर दौड़ी तो बिल्ली है वो पकौड़ी खाने लगी, उसके बाद बुढ़िया घर के अंदर आई तो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, वो फिर से बाहर आई तो बकरा अंदर घुस गया, फिर बुढ़िया है वो मटके से टकराई, मटका फूट गया तो बकरा भी वहाँ से भाग गया, फिर बुढ़िया थक गई और बैठ गई और बिल्ली है वो घर के अंदर चली गई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी कौन आया, बुढ़िया को परेशान करने के लिए कौन आया, सो मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, बकरा, ये सब आए।
कौन किसके साथ, देखिए यहाँ पे तो बुढ़िया, तो बुढ़िया है वो चक्की, बुढ़िया क्या कर रही थी, चक्की चला रही थी। मक्खी, तो मक्खी है वो मिठाई खा रही थी। बिल्ली है वो पकौड़ी खा रहा था। कुत्ता है वो रोटी खा रहा था। कविता में किसके बाद कौन आया, सबसे पहले कौन आई, तो सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद कौन आया, तो बिल्ली आया, बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद बकरा। घर किसे मिला यहाँ पे, तो घर है वो बिल्ली को मिला। चलिए यहाँ पे नीचे लिखा गया, बच्चों से पूछे इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है। फ्रेंड्स, इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है कि देखिए इसमें भाग दौड़ ही हो रही है। मक्खी आ रही है, बुढ़िया जा रही है, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, बकरा आ रहा है, तो भगदड़, इसलिए इस कविता का नाम रखा गया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।